कि झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों को जेल में कैद किया जा सकता है, लेकिन जो विचार हम लोगों ने झारखंड में फैला दिया है उसके लिए कोई जेल नहीं बना है, उसको जेल में नहीं कैद किया जा सकता। ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने यही कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, झारखंड में झारखंडी को नौकरी दो, झारखंड में स्थानीय को नौकरी दो, झारखंड में यहाँ पर स्थानीय को सांसद विधायक बनाओ, यहाँ पर जितना कंपनी लगा उसमें हमारे लोगों को नौकरी दो, जितना खदान है हमारे लोगों को नौकरी। मुखिया चुनाव गाँव से, सरपंच चुनाव अपन गाँव से, जिला परिषद अपने गाँव घर से, तो सांसद का है चुन दो बक्सर के आदमी की। अब बार बार राजवे के बेटा राजा नहीं बनता, और गरीब मजदूर किसान के बेटा भी झारखंड में नेता बन सको है, यही तैयारी करना है। सभी झारखंडियों जाग जाओ, ये बार बार दिल्ली के मुद्दे पर वोट नहीं करना है। हम ही के आदमी 10,000-15,000 रुपए कमाए ले कहाँ कहाँ जा रहे थे, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, बेंगलोर, तेलंगाना, कहाँ कहाँ, और हमनी के आदमी पूरा बाहर जाकर के बाल बच्चा के छोड़ के घर परिवार के छोड़ के और बाहर पेट कमाए। कि झारखंड में अगर कोई नौकरी का फॉर्म निकले तो पहला अधिकार उस पर झारखंडियों का हो, कोई कंपनी लगे तो कंपनी में पहला नौकरी झारखंडी को मिले, झारखंड के अगर जमीनों पर खनिज यहाँ से निकल रहा है तो उस खनिज के संसाधनों में जो राजस्व निकल रहा है उससे झारखंडी का विकास कैसे होगा। ये पहले सभी लोगों को कह दिया है कि तुम्हारे लिए आएंगे कोई प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए, आपके लिए आएंगे कोई मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए, मेरी स्टार प्रचारक मेरी माँ है, बहन है, चाची है, और इन्हीं के आशीर्वाद के बुनियाद पर इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। निशान है ये हेलमेट, झारखंडियों का निशान है, खतियानियों का निशान है ये हेलमेट, हजारीबाग में इतिहास बनाने का निशान है ये हेलमेट, एक नौजवान का निशान है ये हेलमेट, एक एक आम माँ, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना है। जब झारखंड की मिट्टी में झारखंड का माटी का सांसद और विधायक बनेगा, और झारखंड की माटी का सांसद विधायक वैसा माटी का सांसद विधायक बनेगा जो दल बदलू नहीं हो, जो पैसा से टिकट खरीद करके नहीं लाया हो, जो असल में झारखंड में अपने छाती पर गोली खाने की ताकत रखता हो, ऐसे नेता को जिताना है। ये बात कहना चाहता हूँ धरती पर। लेकिन होता है कि हमनी के कंपनी आयल थू यहाँ पर जमीन पर लगल थू, और ओकर बाद फिर हमनी के उजाड़े के बाद हमनी के शोषण करे के बाद चलो लगो लड़ाई है बात के है। तो इन सब 3 साल से जाने दो, वीडियो तो देखवे कर ला। लड़ाई यही बात की है कि झारखंड में अगर कोई नौकरी का फॉर्म निकले तो पहला अधिकार उस पर झारखंडियों का हो, कोई कंपनी लगे तो कंपनी में पहला नौकरी झारखंडी को मिले, झारखंड के अगर जमीनों पर खनिज यहाँ से निकल रहा है तो उस खनिज के संसाधनों में जो राजस्व निकल रहा है उससे झारखंडी का विकास कैसे होगा, ये पहले तय हो। और झारखंड में जितना ठेकेदारी है, जितना टेंडर है, जितना कामकाज है, पहले झारखंडी के लिए तय करो। ये बात हमने कहे कोई है, कहे कि हम ही के आदमी 10,000-15,000 रुपए कमाए ले कहाँ कहाँ जा रहे थे, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, बेंगलोर, तेलंगाना, कहाँ कहाँ, और हमनी के आदमी पूरा बाहर जाकर के बाल बच्चा के छोड़ के घर परिवार के छोड़ के और बाहर पेट कमाए गलती है। बाबू गोदी में हो और यह सब बाबू के भविष्य के हमने लड़ाई लड़ ले। हमनी के उम्र तो हो गए 30 साल, दोनों भी अपन अब जिंदगी किसी तरह से आगे बढ़ रहा है। अगला हम इनके यह तैयारी करना है कि ये सब बाबू जब 20-25 साल के हो जाते हैं तो यकीन के नौकरी समय घुसखोरी ना हो चाहिए। घुसखोरी यकीन के जिस समय हम इनके नौकरी चाकरी बात आते हैं, अरे बाबू बड़ा हो जाता है, कहता हूँ कि झारखंड के तो लड़ाई लड़ो थी 2024 में, हम जखनी छोटा लिया था तहनी तोहनी कहाँ तो तोहनी कहन कि नहीं दूनी में हमने साथे खड़ा है वो लड़ाई। इसलिए सभी झारखंडियों जाग जाओ, ये बार बार दिल्ली के मुद्दे पर वोट नहीं करना है। दिल्ली से कोई नेता है तो हेलीकॉप्टर लेकर के वहीं से डुग डुग हाथ हिला देता, बड़ा बड़ा नेता है तू, सभा कर तू, चल ये तू, पर हम लोग के पास इतना ताकत नहीं है कि बड़ा स्टेज बनाते चले, कुर्सी टेबुल लावे। और सबसे बड़ा बात कि पूरा चुनाव झारखंड के जनता लड़ रहा है, पूरे देश में बड़े बुजुर्गों पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता किसी को चुनाव लड़ा रही है। ये प्रचार गाड़ी कैसे बना मुझे नहीं पता है, आमतौर पर लोग चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्याशी को करना पड़ता है, ये कैसे घूम रहा है, कैसे बना है, कौन लोग किए हैं, ये सब अपने ही साथी लोग हैं। हम जिस गाड़ी से चल रहे हैं ये हमें
लोगों ने मदद के तौर पर दे दिया कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसको आप तब तक इस्तेमाल करिए। कहने का मतलब ये है कि रात में हम दूनी में रुके, पूरे 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी रुकने के लिए कभी होटल नहीं लेना पड़ा, खाने के लिए किसी होटल में नहीं जाना पड़ा। और आपको इस बात का लोहा मानना होगा कि 24 साल में पहली बार झारखंडी इतने एकजुट हुए हैं। इस एकजुटता को टूटने नहीं दीजिएगा और हेलमेट छाप पर वोट दे करके ऐसे लोगों को जवाब दीजिएगा। हम लोग वोट मांगने आए हैं तो ये मत समझिएगा कि बस चुनाव आ गया तो वोट मांगने आए हैं। हमने खाली चुनाव के समय एक्टिव नहीं थे, 3 साल से काम कर ले। और ये सच्चाई है गांव वालों, दुनिया के लोगों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो इन सब के बहस कह चाहूं कि पूरा झारखंड में ही बात पे चर्चा है कि कोई भी कंपनी में कहीं पर मजदूर किसान के साथ दिक्कत हो रहा है तो तुरंत जेबी केसेस टाइगर जयराम मातो संजय मेहता और तमाम साथी सबके फोन आ लगल है कि बाबू तो जरा से यहाँ आओ मुआवजा दिलावे के, और तुरंत सब आदमी सब जमा होती और जाती। और ये जेबी केसेस के आज के तारीख में ताकत है कि जे कंपनी में जे मजदूर के जितना मुआवजा कहल के दिया दल का है, और पूरा मुआवजा के राशि 16,25,00,000 रुपया है। 3 साल में हमने इतना मजदूर के मुआवजा दिला दिया है, ये जेबी केसेस के ताकत है। तो जब बिना जीत ले, बिना कोई वोट मांग ले, बिना कोई सांसद बन ले, कोई बिना विधायक बन ले, मजदूर सबके मुआवजा दिला सको है आदमी कंपनी से लड़ करके, तो जब इतना दुनी के माए चाची सब चाचा सब आशीर्वाद दे देती तो एक से तो कुछ और बढ़िया काम करवे हमने। इसलिए बात के एकदम भरोसा रखना है कि हमने अपनी गांव घर के बेटा हकी है, अपने गांव घर के भाई हकी है, और हम इनके एक एक को जिद है कि पूरा झारखंड के कम से कम जगाना है और बचाना है। अभी पिछला 4-5 रात से नींद नहीं पूरा हो रहा है, सूत भी नहीं पड़ रहा है, रात के 3 बज गए यहीं पर, सुबह फिर उठ करके लगा देते, अभी आंखिया में नींद दिखाए थे। कारण ये है, इतना हमें गला सुखैले है, नींद त्याग ले है, 3 साल से गांव गांव घूम रहा है, घरे घरे घूम रहा है, सब जगह जा करके सबके समझैले है। ओकर पीछे कारण यही है कि झारखंड के आदमी के साथ जो शोषण हो रहा है, ओकरा पहले थोड़ा सा एकदम साधारण भाषा में समझा दो। जो नेता बन रहा है वही बार बार नेता बन रहा है, ओकर बेटा बन रहा है, ओकर बेटी बन रहा है, ओकर पत्नी बन रहा है, ओकर दामाद बन रहा है। अबरी बात की तैयारी करना है दुनिया वाले कि अब बार बार राजवे के बेटा राजा नहीं बनता, और गरीब मजदूर किसान के बेटा भी झारखंड में नेता बन सको है, यही तैयारी करना है। गरीब मजदूर किसान के बेटा के काहे बने चाहिए, जे आदमी रोजे रोजे रसगुल्ला खाए ओकरा पते नहीं चले कि कोई सतुओ प्यास से गुजारा करो है। तो जे आदमी रोज रोज विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, विधायक के बेटा है, बेटी है, पत्नी है, तो ओकरा लगो है कि सब आदमी जो है से अमीरे है, तो गरीब के बारे में सोचो ना पा रहा है। तो तोहनी जैसे खेती बाड़ी करो है, काम काज करो है, घर द्वार के काम काज करो है, वैसने टाइगर जयराम महतो के माए खेती बाड़ी काम काज करो है, वैसने हमरो माए काम काज करो है, खेती बाड़ी करो है। तो हमनी सब एक बराबर के आदमी है, तो एक बराबर के आदमी रहते तो अपन दुख दर्द समझता है। और कोई नेता हेलीकॉप्टर से उड़ करके आता और कहता हूँ कि विकास करा दो, और पता चलता हूँ कि यहाँ टाटा के कंपनी है तो रोजगार खातिर एक दिन कहियो सवाल ना उठे, तो कहियो लड़का ना, तो वैसा नेता के वोट नहीं देना है, ये बात की भी तैयारी करना है। और सबसे मेन बात सबके हम समझाओ, मुखिया चुनाव गांव से, सरपंच चुनाव अपन गांव से, जिला परिषद अपने गांव घर से, तो सांसद का है चुन दो बक्सर के आदमी। इसलिए इस बात को समझना है कि अब झारखंड की मिट्टी में झारखंड का माटी का सांसद और विधायक बनेगा, और झारखंड की माटी का सांसद विधायक वैसा माटी का सांसद विधायक बनेगा जो दल बदलू नहीं हो, जो पैसा से टिकट खरीद करके नहीं लाया हो, जो असल में झारखंड में अपने छाती पर गोली खाने की ताकत रखता हो, ऐसे नेता को जिताना है। ये बात कहना चाहता हूँ, जिसे माटी के बेटा आ रहा था, दावा करो थी कि हमू माटी के बेटा, तो ओकरों में चुनना है। कोई आदमी बार बार इन्हें उन्हें उछल कूद कर रहा है, तेकर मतलब कि आपन खातिर कर रहा है। और जे आदमी सब अभी झारखंड में सांसद बने चुनाव लड़ ले थी, पूरा झारखंड में 14 सीट पर जितना प्रत्याशी थे, सब प्रत्याशी कोई परिवार से, कोई पैसा वाला, कोई सांसद विधायक ऐसे घर से थे, तो इसलिए
कि कोई अगर विधायक सांसद बने लेला है, यहाँ जो दो आदमी लड़ले थी बड़ा बड़ा पार्टी से, दोनों विधायक हथी और सांसद लड़े लेती है, तो कोई आदमी दसवां पास करो तब ने फिर ग्यारहवां होकर नाम लिखा है। तब विधायक में जे आदमी बढ़िया काम कर दले होते हैं, ओकरे ने आदमी जीतते हैं। तो सबके क्षेत्र में हम घूमलिए, तो कहले थे कि बाबू ये विधायक रहते कुछ कर ले नहीं थे, अभी कहले सांसद बने वोट देते और ऊपर के पद कह लिए। एक मतलब कि जे आदमी विधायक में फेल हो गया वो अगर सांसद का वोट मांगने आया है तो उससे पहले विधायकी का हिसाब मांगिए, तब कहिए कि तुमको सांसद बनाएंगे। ये बात आपको कहना चाहते हैं, ये बात कहे काहे कि अगर ऐसे उकर आर ऊपर पद दे दबाए तो पता चलता है कि आर इलाका के बेड़ा गर्क हो जाता है, आर इलाका पीछे हो जाता है। तो फिर सवाल उठो है कि हमनी पास ही है कि फेल ही है। तो हम तो गिना दलियो कि हमनी बिना सांसद विधायक रहले केस मुकदमा खा करके और हमनी जो है 16 करोड़ 25 लाख रुपया मुआवजा दिला दिए है। तब बिना जीतले अगर 16 करोड़ 25 लाख मुआवजा दिए लिए तो हमनी पास ही हो कि फेल ही हो, ये बात तो हमी तय कर। ठीक है, एक बात और कि अभी हम इनके आदमी के जेल भेजा जा लगल है, तो तमाम पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूँ और झारखंडियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने यही कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, झारखंड में झारखंडी को नौकरी दो, झारखंड में स्थानीय को नौकरी दो, झारखंड में यहाँ पर स्थानीय को सांसद विधायक बनाओ, यहाँ पर जितना कंपनी लगा उसमें हमारे लोगों को नौकरी दो, जितना खदान है हमारे लोगों को नौकरी दो, जितना टेंडर है हमारे लोगों को टेंडर दो, जितना बालू का खदान है उसमें हमारे लोगों को काम दो। यही हमारा गुनाह था, हमारे साथियों को जेल भेजा गया, हमारे एक प्रत्याशी को जेल भेज दिया गया जो रांची से चुनाव लड़ रहे हैं। एगो चुनाव लड़ रहे हमारे तरी हमारे भाई देवेंद्र नाथ महतो ओकरा जेल में बंद कर देती है, टाइगर महतो जरा महतो के जेल भेजे पूरा कोशिश बने और हमने के चार आदमी के जेल भेज देती। आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों को जेल में कैद किया जा सकता है, लेकिन जो विचार हम लोगों ने झारखंड में फैला दिया है उसके लिए कोई जेल नहीं बना है, इसको जेल में नहीं कैद किया जा सकता, ये बात कहना चाहते हैं। तो तोहनी एक बार साथ दे दा, गरीब मजदूर किसान के बेटा के पास संसाधन कम हो है, जिम्मेवारी तोहनी के देके जा रहा लिया कि 20 लाख वोटर है, 20 लाख वोटर थे हेलमेट छाप पहुंचाना है, हमनी सब जगह ना जा सको, ये 6 दिन बचल है, सबके ठीक मोबाइल है, जहाँ जहाँ बात हो है अगेना परिवार रिश्तेदार में सबके कहना है कि 16 नंबर हेलमेट छाप में दूनी में सब वोट मार ले तू, तोहनियों भी 16 नंबर हेलमेट छाप में मार दी, अपने बाबू बेटा सब हथी अपने भाई के और मोबाइल में व्हाट्सएप से सबके अपन चुनाव चिन्ह भी भेज देना है। तो सब दूनी वाले अपन अपन अगेना रिश्तेदार परिवार के भेज दती, तब 20 लाख आदमी ठीक पहुँचावे में हम इनके जो प्रयास है उतनी हल्का हो जाते। अभी का है कि हम इनकी उतना प्रचार के साधन ना है कि टीवी में रेडियो में अखबार में प्रचार देने चलिए बड़ा पार्टी जैसे, तो तोहनी सब प्रचार कर दबा तो हम इनके प्रचार हो जाता है। कहे कि हमने सभी लोगों को कह दिया है कि तुम्हारे लिए आएंगे कोई प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए, आपके लिए आएंगे कोई मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए, मेरी स्टार प्रचारक मेरी माँ है, बहन है, चाची है और इन्हीं के आशीर्वाद के बुनियाद पर इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और तमाम बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गांव के अभिभावकों, आपसे कहना चाहता हूं ये झारखंड की आवाज है, झारखंड की आवाज को आप सब साथ दीजिए, नौजवानों को सुरक्षित रखिए, ये नौजवान आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लड़ रहे हैं। हम लोगों की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, सांसद विधायक सिर्फ बनने का कोई सपना नहीं है, हम लोग सब पढ़े लिखे नौजवान झारखंड के एकजुट हुए हैं। टाइगर जयराम भी पीएचडी कर रहे हैं, तमाम हमारे भाई लोग पढ़े लिखे हैं, आपका ये भाई संजय खुद झारखंड हाई कोर्ट में भी एडवोकेट है। आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्तिगत जीवन जीना रहता तो हम लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लेते, लेकिन झारखंड के लिए से लड़ने निकले हैं कि जिस मिट्टी ने पाला है, पोसा है, आगे बढ़ाया है, उस मिट्टी के साथ शोषण और जुल्म हो रहा है, यहाँ के नौजवानों को उठ खड़ा होना होगा और झारखंड की माटी के लिए सब कुछ नछावर करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी ये माटी बचेगी। ये बात कहना चाहता हूँ, 16 नंबर हेलमेट छाप है, 20 तारीख को वोट देना है और पहले मतदान फिर जलपान करना है, 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इस बार 2 मशीन रहेगा, पहला मशीन का सबसे आखिरी बटन हेलमेट छाप है। ठीक है, वोट देवल जब है ने 2 गो मशीन रहता, तो जब पहल का मशीन है ओकर सबसे लास्ट बटन में हेलमेट रहता है, हमारा नाम लिखल रहता है और जब तक ओकर में लाइट ना जलता है और जब तक पी की आवाज ना करते तब तक वो मशीन के छोड़ना ना है ना, वोट देने में गलती नहीं होना चाहिए। तो यही बात सबसे कहने आए हैं,
ये हेलमेट इस बार हजारीबाग में क्रांति का निशान है, बदलाव का निशान है, इतिहास बनाने का निशान है। ये हेलमेट झारखंडियों का निशान है, खतियानियों का निशान है। ये हेलमेट हजारीबाग में इतिहास बनाने का निशान है। ये हेलमेट एक नौजवान का निशान है। ये हेलमेट एक एक आम माँ चाचा चाची दादा दादी नाना नानी का निशान है। आइए हम सब मिलकर झारखंड को बचाने का संकल्प लेते हैं और इस लड़ाई को साथ देते हैं। झारखंड को बचाने की लड़ाई में आपकी भूमिका को तय करते हैं। और जो पहले बार के वोटर हैं, पहला बार का कोई वोटर है जो पहली बार वोट करेगा इस बार? अच्छा आप लोग हैं तो आप लोग को जिम्मेवारी दे रहे हैं। पहली बार का वोटर मतलब कि यंग, तो जितने यंग लोग हैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए कि संजय भैया आए थे और वो कह रहे थे कि जो एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, झारखंड की बात करें, वैसे लोगों को वोट देना चाहिए। आप लोग अपना पहला वोट और जितने लोग फर्स्ट टाइम के वोटर हैं सब लोगों को जागरूक करिए। आप लोग युवा लोग हैं तो सभी को जागरूक करिए कि नौजवानों को भी एकजुट होने की जरूरत है। और जितने यूथ हैं वो अगर ये ठान लेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लोग साथ दीजिए। अचानक से सुबह सुबह सब निकाल दिया हमको ऐसे ट्राउजर टी शर्ट पर, चलिए जल्दी जल्दी हम भी आ गए। और सब हम लोग नौजवान लोग इसी तरीके से पूरा झारखंड में एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो सबको एक बार साथ दे दीजिए, आशीर्वाद तो है ना, तो सबको आशीर्वाद दे रहा ताकि लड़ाई के जीत जाइए। बड़ा बड़ा आदमी से लड़ा है, 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, मंत्री, इतना बड़ा बड़ा आदमी से हमें लड़ाई लड़ ली है तो इनके आशीर्वाद के बल पर लड़ रही है। अच्छा देखा आशीर्वाद डलती हमारा, हम सबके कह लिया कि हमने लड़ाई जनता के ताकत पर लड़ ले लिया है। और दुनिया में धरती पर जो 200 रुपया मिल रहा है बात के बहुत ताकत के साथ कह ले कि 200 करोड़ को लेकर के आए तैयारी आशीर्वाद के हम 200 रुपया लेकर के बार सबके हरा करके दिखा दे भाई बात के विश्वास दिला रहे। आशीर्वाद में बहुत ताकत होगा है कि नहीं? देखिए 400 करोड़ रुपया कोथी कहां से लेवा 400 500 करोड़ चुनाव लड़े ले। ताकत इसमें ज्यादा है, इसमें आशीर्वाद भी है, झारखंडी सोच है, प्यार है, अपनापन है, साथ है, मार्गदर्शन है। और उसका 200 करोड़ में और 500 करोड़ में कोयला का माफिया गिरी, जमीन का माफिया गिरी, उसके कोयला का पैसा में कितना लोगों का मर्डर होगा, कितना लोगों का खून बहाया होगा, कितना लोगों पर फर्जी केस किया होगा, तब ये कोयला की पैसा आता है। और ये हम लोगों के पास जो आशीर्वाद आ रहा है ये पसीने का आशीर्वाद है, ये माँ का आशीर्वाद है, ये भाई का आशीर्वाद है, ये चाचा का आशीर्वाद है, ये दुनिया के एक एक जनमानस का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद में, इस 100 रुपए के आशीर्वाद में 100 करोड़ से भी ज्यादा ताकत है, इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। ओ अच्छा माला में भी ध्यान नहीं दिलो। अच्छा एक बात कह दे कि जितना ये माला टोपी पहने लिया ये सब के हम अपन गाड़ी में रख लिए, पीछे देख लियो, ये एक कर्जा है। खाली माला टोपी पहन ले लिए चल गए लिए अपन डुबा के ऐसे ना हो, इतना माए बहन सब आशीर्वाद दे थी तो ये एक कर्जा है। और दुनिया के लोगों मंदिर के सामने इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि इस कर्ज को सूद समेत आने वाले वक्त में वापस करेंगे और कभी नहीं बदलेंगे, इस बात का आपको भरोसा देकर के जा रहे हैं। हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि झारखंड की माटी के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। केस मुकदमा थाना पुलिस एसपी डीसी डीआईजी सबसे सामना हो गया, जेल से भी सामना हो गया। अब झारखंड की धरती के लिए शहादत मंजूर होगा लेकिन समझौता मंजूर नहीं है, इस बात पर आप लोग भरोसा रखिए। हम लोग कभी नहीं बदलने वाले, इस बात को आपको यहीं पर गारंटी देकर के जा रहे हैं। कोठम हाँ मतलब यह साल 28 जनवरी 2024 के सच्ची